हाय गाइस, आज बात करेंगे हेयर मिस्टेक्स के बारे में, जिसकी वजह से गाइस आपको एग्जैक्ट लुक नहीं मिल पा रहा है आपकी हेयर कट में। जब भी आप हेयर कटिंग करते हैं तो कोई भी हेयर आप ट्राई करते हैं, तो आज की वीडियो में देखेंगे ऐसे कुछ हेयर मिस्टेक्स गाइस जो आपको अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से गाइस जो आपका हेयर गेम है वो बहुत ज़्यादा अप हो सकता है, और कुछ चीज़ें गाइस जो आपको फॉलो करनी है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट लुक मिल सकता है जो भी हेयर कट आप चाहते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, जैसे कि मॉडर्न क्यूफ हो गया, तो ऑल टाइप्स ऑफ हेयर जो आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड करते हो डेफिनेटली गाइस आपको वो लुक मिल सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बात करूंगा इस नंबर वन हेयर मिस्टेक की जो आप कर रहे हैं, वो है गाइस हेयर वॉश बिफोर हेयर कटिंग। तो गाइस जब भी आप सैलून विजिट करते हैं तो गाइस आपका जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो ये चीज आपको जरूर पूछता है कि आपके हेयर वॉश करना है या नहीं करना है। तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि वो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए करते हैं कि ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल जाए, और मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बहुत बार यही सोचता था, और मैं तो कभी कभी झूठ भी बोलता था कि मैंने ऑलरेडी हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बचाने के लिए। और आप में से भी गाइस काफी लोग नहीं करते होंगे, लेकिन गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि गाइस आप बहुत सारे प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, जैसे कि हेयर वैक्स अप्लाई करना हो गया, या हेयर स्प्रे अप्लाई करना हो गया, या ऑयलिंग करना होगा, और ऑल दो जैसे कभी कभी डर्ट भी होता है, जैसे ऑल दो अगर आप बहुत घूमते हो तो उस केस में भी गाइस बहुत ज्यादा डर्ट भी रहती है, और ऑल दो गाइस अगर आप प्रोडक्ट अप्लाई नहीं भी करते तो एक नेचुरल ऑयल होता है गाइस, जिसकी वजह से गाइस जो आपका हेयर होता है वो काफी मैस हो जाता है गाइस। लेकिन अगर आप हेयर वॉश करते हो गाइस तो जो क्लीनिंग है गाइस वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, और जो आपकी जो लेंथ कटती है गाइस वो एग्जैक्ट लेंथ कटती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो या ऑलरेडी प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में गाइस आपकी लेंथ जो है हेयर की वो प्रॉपर नहीं कट पाती है, इवन तो आपने कोई भी हेयर उनको दिया होगा, जैसे कि उनको काटने के लिए कोई भी हेयर आपने बताया होगा, तो भी आपको वो एग्जैक्ट लुक नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज आपने शैम्पू नहीं किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा गाइस अगर आप शैम्पू कर सकते तो आप कर लीजिए सैलून में ही, और अगर आपको लगता है वहां पे थोड़ा कॉस्टली है तो आप घर में भी आपका जो रेगुलर शैम्पू है उससे वॉश करके जा सकते हैं। मैं भी कभी कभी करता हूँ बिकॉज ऑफ थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए, बिकॉज वो 100 रुपीज थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इनकेस अगर आपको 100 या 150 स्पेंड नहीं करना है एक्स्ट्रा शैम्पू के लिए, तो आप घर में भी कर सकते हैं, काफी ईजी है, ड्राई करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूर करें, इस चीज को अवॉइड मत करेगा, इस काफी बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा आपकी हेयर स्टाइल में। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएगा इसको एटलीस्ट वॉश करके जरूर जाए। और अब बात करते गाइस सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है द साइड पार्ट गेम। तो गाइस जो आपका ये साइड पार्ट होता है गाइस, इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, काफी लोग समझ नहीं पाते कि कैसे साइड पार्ट रखने चाहिए। और ऑल दो अगर आप स्पाइकी हेयर ट्राई कर रहे हैं, या मॉडर्न क्विफ ट्राई कर रहे हैं, या फॉक्स लॉक ट्राई कर रहे हैं, या शॉर्ट हेयर ट्राई कर रहे हैं, तो इस केस में गाइस जो साइड पार्ट आपको रखनी है, जैसे कि आपका जो लोअर फेड, जब मैं लोअर फेड बोलता हूँ या नंबर वन ब्लेड बोलता हूँ, तो जो ट्रिमर होती है गाइस, जो आपका हेयर स्टाइलिस्ट होता है जो ट्रिमर यूज करता है, तो उसमें आपको नंबर टू ब्लेड यूज करनी है। जो आपका इस जो ये सेक्शन होता है गाइस, वहां पे आपको नंबर टू यूज करनी है, क्योंकि जो साइड पार्ट होता है गाइस उसमें अगर आप दो सेक्शन डिवाइड करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा देखता है, रदर देन एक ही सेक्शन यूज करने से। तो आपको हमेशा दो सेक्शन यूज करना है अगर आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉक्स, जैसे कि मॉडर्न क्विफ। तो इस हेयर स्टाइल में गाइस दो तरह की साइड फेड अच्छी दिखती है, जैसे कि नंबर टू ब्लेड एंड नंबर वन ब्लेड। तो लोअर साइड में गाइस आप लोअर फेड रख सकते हैं जो कि है नंबर वन ब्लेड, तो इस तरह का जो फेड है गाइस बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। क्लीन फेड जो होता है या स्किन फेड होता है गाइस, वो चीज आपको अवॉइड करनी है, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, और आपका जो ओवरऑल हेयर स्टाइल है गाइस वो थोड़ा सा अगली दिखेगा एकदम क्लीन फेड में। तो हमेशा गाइस साइड पार्ट में एटलीस्ट ट्राई करें नंबर टू या नंबर वन ब्लेड ट्राई करने का। और ऑल दो अगर आपको फेड ज्यादा पसंद नहीं, तो आप जो सीजर होते हैं गाइस उससे भी नॉर्मल फेड कर सकते हैं, या नॉर्मल जो लोअर फेड होता है या मिड फेड होता है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं गाइस नंबर थ्री हेयर मिस्टेक्स की गाइस, जो कि है फेस शेप। तो गाइस आप जब भी सैलून जाते हैं, आप डायरेक्टली कोई सेलिब्रिटी की फोटोज दिखाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको एग्जैक्ट वैसा ही हेयर कट करना है, और ज्यादातर हेयर स्टाइलिस्ट उतना ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर लूंगा, और जब आप एंड रिजल्ट देखते हो गाइस तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। इसका एक मेन रीजन ये है गाइस कि आप जो हेयर कट कर रहे हैं वो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। फेस शेप गाइस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका फेस शेप कौन सा है, जैसे कि ओवल फेस शेप, ब्राउन फेस शेप, हार्ट फेस शेप, डायमंड फेस शेप, और भी डिफरेंट टाइप के फेस शेप होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका फेस शेप कौन सा है। तो आप ये चीज कैसे कर सकते हैं, तो मार्केट में काफी ज्यादा ऐप है, मैं सजेस्ट करूंगा गाइस आप लेंसकार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको फेस शेप पता चल जाएगा। उनकी जो ऐप है उसमें राउंड फेस शेप या हार्ड फेस शेप जो भी है आप पता कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आपको पता चल गया आपका फेस शेप कौन सा है, तो मान लो एज एन एग्जांपल आपका फेस शेप ओवल है, तो आपको सर्च करना है गाइस गूगल पे कि ओवल फेस शेप बॉलीवुड सेलिब्रिटी, या आप हॉलीवुड चाहते हैं तो हॉलीवुड सेलिब्रिटी। तो इस केस में गाइस आपको काफी लिस्ट आ जाएगी जो ओवल फेस शेप सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, तो उसकी फोटोज आप दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फेस शेप है वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, और बहुत हद तक गाइस आपको जो लुक है वो सिमिलर लुक मिल जाएगा उस सेलिब्रिटी का। तो हमेशा गाइस फेस शेप पे ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज गाइस
अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने काफी ज्यादा ऑप्शन दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस शेप के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और अब बात करते गाइस फोर्थ हेयर मिस्टेक्स की गाइस, जो कि गाइस फनी हेयर स्टाइल प्लस हेयर कलर। तो मुझे पता है गाइस आप में से कई लोग हेयर स्टाइल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लेकिन गाइस कुछ लोगों ने कर रखा है तभी मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। हेयर स्टाइल की बात करूं तो गाइस कुछ लोगों ने इस तरह के हेयर स्टाइल काटते हैं जैसे कि टोपी हेयर स्टाइल या पाइनएप्पल हेयर कट। तो ये हेयर स्टाइल गाइस कुछ लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते हैं, तो इस तरह के अटेंशन लेके आप क्या ही करोगे। लेकिन इस तरह की हेयर कट गाइस आपको बिल्कुल नहीं करने, बहुत ही ज्यादा फनी लगोगे, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लगोगे। और ऑल दो गाइस आप कलर्स की बात करो तो गाइस काफी लोग कलर्स कराते हैं जैसे कि रेड हो गए या ग्रीन हो गए या येलो हो गए या ब्लू हो गए। इस तरह के कलर्स आपको नहीं करने, कहीं ना कहीं ये कलर्स वाला ट्रेंड गाइस टिकटॉकर्स की वजह से आया है। बहुत ही अजीब लगते हैं एंड बहुत ही अनप्रोफेशनल वाइब देते हैं गाइस, तो ये चीज आपको अवॉइड करना है। एंड ऑल दो गाइस सिल्वर एंड गोल्ड कलर वो भी आपको अवॉइड करना है। नॉर्मल हाईलाइट आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े बहुत हाईलाइट कलर्स करने तो उस तरह के कलर्स आप कर सकते हैं, वो इतने ज्यादा अनोइंग नहीं लगते, वो ठीक ठाक लगते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कलर्स आपको अवॉइड करना है जैसे फुल कलर्स कर सकते, तो ये गाइस बहुत ही अनप्रोफेशनल वाइब देते जैसे कि मैंने बताया। तो ये फोर्थ मिस्टेक गाइस आपको बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग रन में गाइस ये चीज आपके डैमेज भी कर सकते हैं हेयर को, तो ये चीज को गाइस बिल्कुल अवॉइड करो। और अब बात करते हैं गाइस अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है गाइस हेयर वैक्स एंड हेयर स्प्रे। अब ये मिस्टेक्स कैसे हो गए गाइस, तो कई लोग गाइस हेयर वैक्स प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करते, हेयर स्प्रे गाइस जो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से गाइस उनको एक हाई वॉल्यूम नहीं मिल पाता, एक लॉन्ग होल्ड नहीं मिल पाता, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिल पाता। तो ये चीज आपको कैसे करनी है, तो जब भी गाइस आपको हेयर वैक्स अप्लाई करना, मेक श्योर करें गाइस कि कौन सा लुक आपको चाहिए। और जैसे ही आपने वो लुक सेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ड्रायर, ड्रायर से जैसे हेयर सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको नॉर्मली हेयर वैक्स गाइस आपको पूरी तरीके से अप्लाई करना है आपके अपर सेक्शन पर, जैसे कि जो आपके हेयर की जो अपर सेक्शन होती है उसमें, रूट तक आपके हेयर वैक्स को नहीं जाने देना है, अदरवाइज जो आपको वॉल्यूम है गाइस उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको हेयर स्प्रे अप्लाई करना है, और हेयर स्प्रे अप्लाई करते गाइस एटलीस्ट वेट करो 30 सेकंड का, और उस दौरान गाइस अपने हेयर को टच मत करो, अदरवाइज आपको वो लुक नहीं मिल पाएगा और जो आपका हेयर है गाइस वो भी मैसी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 30 सेकंड का वेट करो, ये प्रॉपर सेट हो जाता है, और उसके बाद भी इवन तो आपको ज्यादा टच नहीं करना है, क्योंकि हेयर स्प्रे अप्लाई करने के बाद गाइस आपका जो हेयर है वापस से रीसेट नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा मैस हो सकता है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और एक प्रो टिप ये है कि गाइस जब भी हेयर वैक्स लो आप, वो वाटर सोल्युबल हो, और हेयर स्प्रे अप्लाई करते गाइस तो मेक श्योर करें गाइस सोने से पहले उसे रिमूव जरूर करें, अदरवाइज आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ओवरनाइट अगर आप रखते हैं। तो ये थे गाइस 5 हेयर मिस्टेक्स गाइस जो आपको अवॉइड करने गाइस। आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक अच्छा सा बजट हेयर केयर रूटीन, अफोर्डेबल हेयर केयर रूटीन, तो आप मेरी ये रीसेंट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें, जिसमें आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और मैं मिलता हूं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।